हेलो एवरीवन, मैं हूं लब्धिबेन। लेट्स डू इट से। ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो होगा हमारा टाइप्स ऑफ बलून्स के ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या टाइप्स ऑफ बलून्स हम लार्जली किसी भी इवेंट डेकोर पे या फिर बलून आर्ट में यूज करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पारदर्शिक नहीं है बोल सकते हो। देन सेकेंडली जो है वो है हमारा मेटालिक बलून। मेटालिक बलून की खासियत ये होती है कि इसमें शाइन ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा शाइन करता है ये, बट ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा होती है। सो एज द नेम सजेस्ट, आप देख सकते हैं कि मेटालिक बलून कैसा दिखता है व्हेन कंप्लीटली ग्लो। देन थर्ड जो है हमारा क्रोम बलून। क्रोम बलून और मेटालिक बलून में लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं, पर बहुत ही मेजर डिफरेंस है दोनों में। क्रोम बलून होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती उसमें, जहाँ के मेटेलिक बलून में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। दिस इज अ कम्प्लीटली ब्लोन क्रोम बलून। आप देख सकते हैं इसमें यू कैन सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ। इज अ मेटेलिक बलून एंड दिस इज अ क्रोम बलून। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक मॉडलिंग बलून। तो जैसे कि नाम ही इसका मॉडलिंग है, आप समझ सकते हैं इट इज यूज टू मॉडल थिंग्स। कम्प्लीटली ब्लोन मॉडलिंग बलून लुक्स लाइक। You can easily make anything from it. बहुत सारे इसमें से आप आर्ट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट जो है हमारा फॉयल बलून। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी है अभी कुछ सालों से। ये काफी सारे डिफरेंट कलर्स, साइजेस, अल्फाबेट्स, लेटर्स, नंबर्स एंड शेप्स, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज में अवेलेबल है मार्केट में। इसमें काफी सारे कलर्स भी अवेलेबल है, मैट फिनिश, ग्लॉसी फिनिश सब में आता है ये। And looks very beautiful when blown. This is how a blown foil balloon looks like. और ये जो हमारे ऊपर let's do it लिखा हुआ है वो भी एक foil balloon ही है। Then next जो हमारा है वो है एक confetti balloon. Confetti balloon के अभी कुछ समय से बहुत ज़्यादा trend में वापस से आ गया है। This is how a completely blown confetti balloon looks like. You can see there are confettis inside it. It is a transparent balloon. इसमें जरूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट ही हो, इसमें काफी सारे अदर कलर्स भी आते हैं। देन शेप्स जो होते हैं कन्फेटी के, कलर्स जो होते हैं, टाइप्स जो होते हैं, वो भी वेरी करते हैं। एंड द लास्ट बलून विच इज नाउ इज वेरी ट्रेंडी इज अ ट्रांसपेरेंट बलून। दिस इज यूज्ड फॉर स्टफिंग, स्टफिंग बलून भी बोलते हैं इसको। इसमें गिफ्ट, टेडी बियर्स और चॉकलेट्स और कन्फेटीज काफी कुछ स्टफ किया जाता है। इनफैक्ट बलून्स भी बलून के अंदर स्टफ करके गिफ्टिंग पर्पज के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। एंड इतना प्यारा लगता है ये, इतना और इतना गुड क्वालिटी का है ये। मतलब कि इन सारे बलून्स में सबसे बेटर क्वालिटी का ये आता है, बट ऑफ कोर्स इट इज एक्सपेंसिव। सो वी आर फिनिश्ड। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है यार। नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू मेक अ बलून आर्क यूजिंग बलून आर्क स्ट्रिप। सो स्टे ट्यून्ड।